Hello, students. How are you all? Hope so. All of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the control of bacteria. Let's start. So, अब हम बात करेंगे control of bacteria so, How वाले bacteria को controlled? तरह से control किया options One option is ये है कि बीमारी होने से bacteria को, उसको control कर और दूसरी ऑप्शन ये है कि खुदा खास्ता अगर बीमारी हो जाती है बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्श डिज़ीज़ हो जाती है बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाती है अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए बिफोर एंड आफ्टर इन बोथ केसेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मेथड्स uh, के हवाले से तो तीन तरह के मेथड्स हैं जिसके ज़रिए बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है उसमें दो जो है वो समझ लें कि प्रिवेंटिव है एक किस्म के मतलब तो बिफोर डिजीज़ है और एक जो है वो आफ्टर द डिज़ीज़ बिफोर डिजीज क्या है दैट इज फिजिकल मैथड एंड सम केमिकल मैथड्स और इसमें द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन ठीक है वो भी इसमें शामिल है तो डिस्कस करते हैं फिर फर्स्ट वन दैट इज द फिजिकल मैथड तो फिजिकल मैथड्स के जरिए बैक्टीरिया को किल करना दैट इज़ कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन क्लियर सो ये एम सी क्यूज के लिए मार्क करें इसको प्रोसेस इन विच द फिजिकल मेथड टू किल बैक्टीरिया स्टेलाइजेशन के जरिए किसी भी तरह के जानदार को खत्म किया जाता है ठीक है इट मे भी बैक्टीरिया इट मे भी फंगस इट मे भी पैरासाइट एक्सेट्रा अब जो इसमें फिजिकल मेथड्स में आमतौर पर जो आ, फिजिकल वेज यूज किए जाते हैं फॉर द प्रो, प्रोसेस ऑफ स्टरिलाइजेशन इट यूज स्ट्रीम ड्राई हीट गैस फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशंस टू कंट्रोल बैक्टीरिया तीन की डिटेल हमारे पास मौजूद है सो चलते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट और टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर क्लियर दो तरह की हीट है जो मुख्तलिफ तरीके से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है या उसकी जो लाइफ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं उसको किल कर सकते हैं एक हमारे पास ड्राई हीट है जैसे कि जो स्टोव की हीट होती है दैट इज़ ड्राई हीट और एक मॉइस्ट हीट होती है लाइक द स्टीम हीट तो दोनों के इफ़ेक्ट्स कुछ डिफरेंट होंगे और दोनों ही बैक्टीरिया को किल कर देंगे ड्राई हीट क्या करती है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग

एंड इट लीड्स इट किल्स बैक्टीरिया दूसरी मॉइस्ट हीट मॉइस्ट हीट कॉजिज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स केमिकल कॉन्स्टिटुंट्स मतलब कि के जिस केमिकल से मिलकर के बैक्टीरिया बनता है तो जब मॉइस्ट हीट दी जाती है तो इट हैज बिन ऑब्जर्व दैट इट ऑक्सीडाइज दो वेरी केमिकल कॉन्सिटुएंट्स प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया लीडिंग टू द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया मतलब इस तरीके से भी बैक्टीरिया किल हो जाते हैं Clear? So that was the first physical method, which is heat. Two parts dry heat, moist heat. Dry heat, coagulation of protein, moist heat, oxidation of the chemical constituents. Second physical method is radiations. Radiations, which are Jo electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations, you have uh, uh, read previously. ये ऐसी रेडिएशन जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना पड़े उनको हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं सो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन्स बिलो थ्री हंड्रेड नैनोमीटर इम्पोर डे क्यों मार कर लीजिए इसको। सो so, ऐसी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस जो जिनकी वेव लेंथ तीन सौ नैनोमीटर से कम होगी उससे बिलो रहेगी उनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर किलिंग द बैक्टीरिया क्लियर और इसमें भी डियर स्टूडेंट्स खास बात याद रखनी है कि गैमा रेडिएशन इंपॉर्टेंट एम सी कौन सी रेडिएशन गैमा रेडिएशन और रेज इन जर्नल आर यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन रेज, ठीक है एंड इट इज वेरी अंडरस्टूड के इसकी वे क्या होगी होपलीव द आइडिया नाउ थर्ड मैथड कुछ हेज बिन डिस्कस अंडर द फिजिकल मैथड्स इज फिल्ट्रेशन अंड कुछ ऐसे भी हमारे पास केमिकल compounds होते हैं जो केमिकल substances होते हैं कि अगर उनको हमने हीट किया तो केमिकल खराब हो जाएगा मतलब कि उसकी वो नेचर नहीं रहेगी वो खत्म हो जाएगा या उसके अंदर कुछ चेंजेज आ जाएंगी तो हम उसको स्टरलाइज तो कर सकते हैं लेकिन अगर वो केमिकली खराब हो गया तो फिर हमारे किसी काम का नहीं रहेगा तो ऐसे केमिकल सब्सटांसिस ऐसे केमिकल कंपाउंडस जो हीट सेंसिटिव है यानी अगर उनको हीट पहुंचाएंगे तो वो बैक्टीरिया को तो किल करेगी लेकिन हमारे केमिकल को भी किल कर देगा हमारे केमिकल को भी वो ख़राब कर देगा तो फिर ऐसे ऐसे इस तरह के केमिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हीट स्टेरलाइज नहीं किया जाता तो फिर क्या किया जाता है फिर फिल्ट्रेशन की जाती है इसमें मेब्रेन फिल्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके डिफरेंट पोर साइजेस होते हैं ठीक है इन नैनोमीटर्स तो उस, उसकी मदद से फिर क्या किया जाता है उस जब फिल्टर किया जाता है क्योंकि हमें पता सबसे छोटे बैक्टीरिया का साइज कितना है दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट वन माइक्रो मीटर ठीक है तो उससे छोटा पोर साइज रखेंगे तो ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया अगर ये नहीं गुजर सकता तो फिर किसी भी तरह का बैक्टीरिया उन मेम्ब्रेन फिल्टर में से नहीं गुजर सकता तो अब आप उस केमिकल कॉन्सचुन को उसमें डालेंगे ओके केमिकल मटेरियल है सब्सटेंस है किसी भी तरह का जो कि हीट सेंसिटिव है तो बैक्टीरिया ऊपर आ जाएंगे नीचे आपके पास प्योर और फिल्टर्ड जो है वो स्टरलाइज uh, मटेरियल मिल जाएगा सो फिल्ट्रेशन इट इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव कंपाउंड याद रखना फॉर हीट सेंसिटिव कंपाउंड लाइक एंटीबायोटिक्स द केमिकल्स विच आर यूज टू किल बैक्टीरिया और सीराज सीरा uh, सीरास बेसिकली याद रखिएगा इट इज द प्लूरल इट इज द प्लूरल ऑफ यहां पर लिख देता हूं सीरा इट इज द प्लूरल ऑफ सीरम और याद आ गया आपको सीरम क्या होता है बहुत सिंपल प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स या क्लोटिंग प्रोटीन्स, दैट इज इक्वल टू सीरम तो सीरम प्लाज्मा में से हम जब क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल देते हैं तो बाकी जो हमारे पास लिक्विड बच जाता है उसको हम सीरम कहते हैं तो उसके अंदर कोई अगर ऐसे कंपाउंड्स हैं वो हम इंजेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो ये हीट सेंसिटिव होते हैं ये भी डीनेचर हो सकते हैं तो इसलिए इस तरह के पर्पज़ के लिए इसमें फिल्ट्रेशन तो बेस्ट है ये नहीं हम इस्तेमाल कर सकते क्लियर या फिर हॉर्मोन्स या फिर हारमोन्स कौन से हारमोन्स स्टूडेंट्स विच आर प्रोटीन इन नेचर स्पेशली स्पेशली प्रोटीन्स एंड दोलियप्टाइड और एमाइनोसिटी और डेरेवेटिव तो उनके लिए भी हम हारमोन्स को हीटअप करेंगे तो दे विल गैन डीनेचर्ड और फिर इस तरह से हम उनको इस मैथड से नहीं बल्कि फिल्ट्रेशन के जरिए स्टर्लाइज करेंगे क्लियर सो so, अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ केमिकल मैथड्स तो केमिकल मैथड्स में हमारे पास तीन तरीके का आ रहा है एक डिस इन्फेक्टेंट्स दूसरा एंटीसेप्टिक्स और तीसरा कीमोथेरापूटिक एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स तो पहले इन दोनों का कंपेरिजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट है डिस इनफेक्टेंट्स दीज आर केमिकल्स यूज टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल्स ऑन नॉन लिविंग पर ऑन नॉन लिविंग सर्फेस द केमिकल्स यूज टू कंट्रोल माइक्रोब्स माइक्रोब्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन नॉन लिविंग सर्फेस जैसे टेबल जैसे वो गाड़ी का हैंडल स्टेयरिंग वगैरह 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 कोई भी कोई भी नॉन जैसे कि वो फर्श ठीक है हमारा जो फ्लोर होता है उस पर तपड़ी लगाई जाती है फिनॉल की फ़िनाइल की ठीक है सो दीज आर नॉन लिविंग सर्फसेस तो यहाँ पर अगर के, ऐसे केमिकल इस्तेमाल किया जाए कि उनकी ग्रोथ को रोक दिया जाए तो ऐसे केमिकल को हम कहते हैं डिसइनफेक्टेंट्स ठीक है एंड ऑन द नॉन लिविंग सर्फसेज स्टॉप ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल्स वेजिटेटिव सेल्स मतलब ग्रोइंग सेल्स एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है इसमें हमसे कुछ करिए हेलोजें एक्सेट्रा फिनोल्स ज्यादा एल्कोहोल्स कंटेनिंग दिन एच टू ओ टू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसको भी इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम पर मैनगनेट एंड एल्कोहल and formaldehyde, so these are few examples of the disinfectants, okay? Now, the antiseptics, in both of them a basic difference, these are chemicals, chemicals non-living surfaces, pe growth ko hai, living tissues, are growth especially we are talking about the bacteria. So, the chemicals used to inhibit growth of microbes ऑन लिविंग टिश्यूज़ लिविंग टिश्यूज़ जैसे कि हमारे स्किन जैसे कि कहीं पे भी हमारी जगह पे जो भी लिविंग टिश्यूज़ है वहां पर इसकी एग्जाम्पल पोविटोन आयोडीन ये बहुत सादा सा आपको पता है जो पायोडीन हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ये इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह से कार्बोलिक एसिड का भी नाम सुना होगा आपने ठीक है कार्बोलिक एसिड ठीक है ये भी इस्तेमाल हो सकता है Uh, 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 एंटीसेप्टिक्स uh, के जरिए इन्फेक्शन uh, को बचाना कहलाता है एंटीसेप्सिस ठीक है थर्ड वन दमिकल्सरायटिक्स एंटीबायोटिक्स का तो पता है दीज आर द स्पेशलाइज्ड मेडिसिन बैक्टीरिया एंड कीमोथेरापूटिकजेंट्स एजेंट्स एस इनके अलावा जो दवाइयाँ इनके अलावा जो मेडिसन इस्तेमाल होती हैं मुख्तु तरह की बीमारियों में तो उनको हम कहते हैं कीमोथेरापिटिक एजेंट्स जैसे कि कोई लाइक डिस्प्रिन है या पैनाडॉल है ये एंटीबायोटिक्स तो नहीं है बट दे आर कॉल्ड एज अ की एजेंट्स सो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स ये दोनों मिलकर के वर्क विद नेचुरल डिफेंस सिस्टम और नैचुरल डिफेंस सिस्टम हमारा जो natural immune system है, उसके साथ मिलेंगे एंड दे स्टॉप से आपने एक चीज अखज़ करनी है केमिकल मैथड्स में हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं जबकि फिजिकल मैथड्स में हम बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं ठीक है ये बेसिक डिफरेंस याद रखना है अब केमिकल मैथड्स के जरिए कुछ इफेक्ट आते हैं एक इफेक्ट को हम कहते हैं माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट और एक इफेक्ट हम कहते हैं माइक्रोबिस्टैटिक साइडल सी आई डी जहां पर भी वर्ड आ गया जैसे कि सुइसाइड मतलब कतल खुदकुशी तो माइक्रोबिसाइड के मतलब के माइक्रोब्स को किल करना सो माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट क्या होगा ऐसा इफेक्ट इट इज द इफेक्ट दैट किल्स द माइक्रोब्स इमीडिएटली फौरी तौर पर मार दिया जैसे वो केमिकल डाला मर गए एक होता है माइक्रोबिस्टेटिक स्टेटिक मीन टू रिमेन स्टेशनरी तो इसमें आपने पढ़ा था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और ग्रोथ की जो फेजेस आपने देखे थे लॉग एंड लैग फेज एंड स्टेशनरी फेज तो माइक्रोबिस्टेटिक होता है कि बैक्टीरिया को उनके स्टेशनरी फेज में रखा जाए सो इट इनहिबिट्स द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज ये इस इफेक्ट में क्या होता है जो मेडिसिन इस्तेमाल माइक्रोबिस्टेटिक होती है एंटीबायोटिक्स वो इसकी रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी होती है बाय फिशन उसको रोक देती है उससे क्या होगा सेल्स uh, जो हैं वो रिप्रोड्यूस uh, नहीं कर पाएंगे एंड दे मेंटेन द पॉपुलेशन एट अ साइज तो जो आप छोड़ के गए थे रात को वही सुबह आपको मिल जाए और इसके अलावा मोड्स ऑफ एक्शन मतलब ये किस तरह से दिए जा सकते हैं केमिकल्स और ए, इस ये हम किसी भी तरीके इंजेक्टेबल्स इन्ज, की शक्ल में या ड्रॉप्स की शक्ल में इसको दे सकते हैं और फिर ये अंदर जाके बैक्टीरिया को क्या करेंगे सो द डैमेज द डैमेज जो हो रहा है बैक्टीरिया को वो किस वजह से हो सकता है इट कैन रिजल्ट माल फंक्शन इन द सेल वाल उसकी सेल वॉल खराब हो सकती है सेल मेम्ब्रेन खराब हो सकती है आपको याद है सेल मेम्ब्रेन अगर ख़राब हो जाए या यह हो जाए तो इट लीड्स टू इमीडिएट डेथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड एनजाइम्स जो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद हैं एंड एनजाइम्स या उसका न्यूक्लिक एसिड इन तीन चार चीज़ों में से किसी एक चीज़ पर जाकर के ये ये जो केमिकल्स हैं जो हमने पढ़े ये इनको हिट करते हैं और इनको ए, किल कर देते हैं या फिर इनकी ग्रोथ को रोक देते हैं अनदर मेथड टू कंट्रोल बैक्टीरिया इज वैक्सीनेशन सो वैक्सीनेशन इट इज़ द यूज़ ऑफ वैक्सीन टू प्रोवोक द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द डेड और वीकेंड एजेंट विच इज़ यूज इन द दै वैक्सीन तो बहुत सारी वे, बैक्टीरियल वैक्सीन हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं जिसमें मैं एक एग्जाम्पल एक आपको दूंगा लाइक द वैक्सीन अगेंस्ट टी बी दल मेरो टी बी सो so, बी सी जी वैक्सीन है जो कि इस्तेमाल होती है इस बीमारी के खिलाफ और इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ई पी आई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ठीक है इसके अलावा एक और तरीका है जिसके ज़रिए बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है दैट इज़ पेस्टराइजेशन सो पेस्राइजेशन इट इज अ प्रोसेस विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लोस पेस्चर सो इन दिस प्रोसेस सो इट इज अ प्रोसेस टू किल माइक्रोब्स बाई हीटिंग एट टेम्परेचर एनफू किल नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया अहम चीज याद रखनी है कि इस टेम्परेचर पर जो नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया उनको किल किया जा सकता है जैसे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको पेस्चुराइज किया जाता है पहले 71 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड के लिए और फिर 62 डिग्री सेल्सियस पे 32 मिनट्स के लिए और फिर उसके बाद फ़ौरन उनको चिल कर लिया जाता है चिल करने के बाद फिर उनको टेट्रा पैकिंग में ऐड कर लिया जाता है तो, तो, तो काफ़ी दिनों तक जो है ये बगैर ख़राब हुए इस्तेमाल किए जा सकते हैं सो हेर आर फ्यू एम सी क्यूज रिलेटेड लेक्चर द केमिकल जूज टू किल बैक्टीरिया ऑन लिविंग टिश्यूज इज वो जो लिविंग टिश्यूज पे इस्तेमाल होता है एंटीबायोटिकमोथेराप्यूटिक एजेंट और डिस इंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिकोर सो लिविंग टिश्यू याद रखना है एंटीसेप्टिक ठीक है लिविंग टिश्यूज पे मॉइस्ट हीट किल्स द बैक्टीरिया बाय डैश ऑफ प्रोटीन्स तो मॉइस्ट हीट क्या करती है मॉइस्ट ट क्या करती है इट कॉन्सिज द कोशन ऑफ प्रोटीन फर्स्ट प्लेन वर्टिकल सेकेंड प्लेन वर्टिकल एट नाइंटी डिग्री एंड थर्ड प्लेन हॉरिजोंटल प्रोड्यूसिस डैश अरेंजमेंट। जी टी एसेंट्स तो यहां पर तीन प्लेन्स पे कौन डिवाइड कर रहा है दैट आर दार सार्किना द लार्जेस्ट बैक्टीरिया लिवस इन द डैश ऑफ डैश सर्जन फिश तो यहाँ पर दो हमारे पास ब्लैंक्स हैं एक तो हमने बताना है कि इट लिव्स इन द डैश वो पार्ट पूछा गया कि बॉडी के किस पार्ट में और उसका यहाँ पर फिश का को पूरा नाम है उसका कलर है सो so, यहाँ पर द बैक्टीरिया लिव्स इन द लिवर गट इंटेस्टाइन और हार्ट तो सबसे पहली बात हो यह की इंटस्टाइन में यानी गट भी इसको कहते हैं उसमें मौजूद है लेकिन यहाँ पर गट के दो ऑप्शन हैं एक ग्रीन और दूसरा ब्राउन सो इट इज ब्राउन ठीक है सो ब्राउन सर्जन फिश विच लिव्स इन द इंटस्टाइन सो द बैक्टीरिया लिव्स इन द इंटस्टाइन ऑफ द ब्राउन सर्जन फिश क्लियर नाउ अनदर देयर दैट थिन फ्लैक्सीबल स्पायर आर कॉल्ड स्पायरेम क्लियर एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल मेथड तो ड्राई हीट भी फिजिकल मेथड है मॉइस हीट भी फिजिकल मेथड है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन भी फिजिकल मेथड है पोविडोन आयोडीन सो इट इज़ अ केमिकल सो ये केमिकल है जो कि आमतौर पर पायोडीन वगैरह में इस्तेमाल होता है सो इट इज़ अ केमिकल मेथड, वही सो so सिर्फ ये एक केमिकल मेथड है बाकी तीनों थी, जो है ये फिजिकल मैथड्स